अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हैरिडे रेसनिक वाल्कर का 10th एडिशन है, चैप्टर 11 है, रोलिंग टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, प्रॉब्लम 27 है। वो कहते हैं एक फोर्स दे रहे हैं 4J न्यूटन पे 25.25 केजी के ऑब्जेक्ट पे लग रही है, पोजीशन वेक्टर दे रहे हैं, वेलोसिटी दे रहे हैं, अबाउट द ओरिजिन हमने क्या बताना है, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क बताना है। अब एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी, पी को जगह एम वी लिखा जाएगा और आर क्रॉस वी लिखा जा सकता है। आर भी पता है, वी भी पता है, तो इसके कंपोनेंट्स बना लेते हैं। आर के कंपोनेंट्स आगे, वी के कंपोनेंट आगे, तो एम को बाहर रखते हुए आर क्रॉस वी को डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व कर लेंगे। इस सारे को जो अगर आप देखेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा। अब अगर हम टॉर्क की तरफ चले तो टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, तो R भी मालूम है, F भी मालूम है, R के भी कंपोनेंट लिख लिए, F के भी कंपोनेंट लिख लिए, डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8i+8k न्यूटन मीटर के साथ आएगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे।